व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी एक ऑनलाइन गेमिंग की वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। जी हाँ, आपकी अपनी गेमिंग वेबसाइट जिस पे आप 1000 से ज़्यादा गेम्स जो हैं वो अपनी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं? आप इसको मोनिटाइज कर सकते हैं एडसेंस के थ्रू, आप अर्निंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है डिफरेंट गेमिंग नेटवर्क से के साथ एफिलिएट प्रोग्राम उनका ज्वाइन कर, तो उनके जो गेमिंग होती हैं उनके लिंक्स भी अपनी वेबसाइट पर लगा कर, तो आप यहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड है अर्निंग करने के, सारे ही काम करते हैं। आपने करना क्या, सबसे पहले तो आपने सिर्फ इसकी SEO करनी है, थोड़ी सी SEO करके, मार्केटिंग करके, जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लग जाए तो इसका CPC भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो एड्स की बहुत ज़्यादा है, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इसके थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना कि आपके पास तो डोमेन एंड होस्टिंग, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो डोमेन जो आप होता है वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल example.com। और जो होस्टिंग होती है उस पर आप अपनी फाइल्स वगैरह को होस्ट करते हैं, ठीक है, जो वेबसाइट की होती हैं आपकी। तो इन दोनों को आपने कनेक्ट करना होता है आपस में। जब ये कनेक्ट हो जाती हैं उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले थीम्स में जाना है। थीम्स में जाके आपने माई आर्किड थीम को इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये बेसिकली जो थीम है ये है तो पेड, लेकिन आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको इनकी वेबसाइट पर इनका जो है फ्री वर्जन भी मिल सकता है, तो आप वहां से जाकर इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाकर आपने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, माई आर्केड प्लगइन लाइट। ये पहले तो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ से नहीं मिलता। आपको इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, myarcadethem.com। वहाँ से जाकर आपको इसका फ्री वर्जन या पेड जो भी आप चाहते हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं इतनी समझ लगती तो मुझे बताएं, मैं आपको ये लिंक सेंड कर दूँगा इनके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्लगइन अपलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद आपने सबसे पहले ये द थीम रिक्वायर्स द फ्लोइंग प्लगइन्स, ठीक है, ये आपने लाजमी जो है जो रेकमेंड कर रहे हैं प्लगइन उनको सबको आपने इंस्टॉल करना है। इसमें से दो या तीन फेल होंगे वो नहीं होंगे, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है खैर, लेकिन जो सही हमें चाहिए थे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो कुछ देर आपने वेट करना है, 2 से 3 मिनट आप वेट करेंगे और ये सारे जो प्लगइन हैं ये इंस्टॉल हो जाएंगे। फ़िलहाल जो हमारी वेबसाइट की लुक है वो कुछ, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, प्लगइन इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कि कैसे जो है वेबसाइट की लुक कैसे चेंज होती है। ऑलराइट, सो 3 प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुए, ठीक है। आप चाहें तो इसको मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करके अपलोड करके, ये जो फेलियर वाले हैं। तो खैर इनकी अभी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए थे वो इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लगइन जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद हम साइट को अपनी रिफ़्रेश करते हैं और साइट की लुक चेक करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि साइट जो है वो अपने थीम के साथ सही काम कर रही है। करते हैं क्या, अब सबसे पहले हमने करना ये है कि माई आर्किड प्लगइन की फेच गेम्स के अंदर जाना है, और यहाँ से आप कोई भी जो है गेम डिस्ट्रीब्यूटर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको करता हूँ क्योंकि इसमें जो है एड्स नहीं आती गेम्स के अंदर, तो ये जो कंपनी के एड्स होती हैं उनसे जान छुड़वा देता है, वो काफ़ी अनोय करती हैं। तो ये देख सकते हैं ये आपके पास सारी गेमें आ गई हैं, ठीक है। इन गेम्स को आप अगर चाहते हैं कि एडिट करके अच्छे से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसको री राइट करके, या इसकी
टाइटल और किसी भी चीज़ को एसईओ करके फिर आप चाह रहे हैं पब्लिश करना है, तो आपने करना क्या है, इसको ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ड्राफ्ट पे चली जाएगी, वहाँ पे ऐड करके आप देन उसको पब्लिश कर लें। अगर ड्राफ्ट डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से चार पाँच गेमें पब्लिश करके देखते हैं अभी, और ये पब्लिश हो गई हैं। दोबारा वेबसाइट पर जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि गेम्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर आ गई हैं। प्ले पर क्लिक किया और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और दोबारा प्ले कर क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये काफ़ी लोगों ने गेम खेली भी होगी। तो ये आपके सामने है, इसी तरह आप भी अपनी ऑनलाइन गेमिंग की वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऐसी साइट से $1,000 से लेकर $1,500 तक मंथली कमा रहे हैं और खुद भी इससे अर्निंग। बस अच्छी मार्केटिंग और अच्छी एसईओ आपने इसकी करनी है, साइट खुद ब खुद चल जाएगी। जितनी गेमें आप इंडेक्स करवाएंगे गूगल पर, थोड़ा सा चेंजिंग करके वही टाइटल और वही डिस्क्रिप्शन आप पेस्ट करेंगे, बिल्कुल ही वो नकारा सा नाम हो जाएगा। तो इस तरह जो आप अपनी गेमिंग वेबसाइट बना सकते हैं, इसको आप फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थीम्स के अंदर जाके अपना लोगो लगाना हो, कोई भी चीज़ फ्रंट एंड पे ऐड करनी हो, स्लाइडर ऐड करना हो, अभी इसके अंदर स्लाइडर भी यहाँ पर शो होता है। ठीक है, एक प्लगइन जो है वो फेलियर हुआ है, वो इसका स्लाइडर का था, वो आप मैन्युअली इंस्टॉल कर लें। इसका स्लाइडर बहुत प्यारा आता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी साइड में चेंजिंग करनी हो तो आपने जाना है सबसे पहले पेरेंट्स के अंदर, और यहाँ से अभी हमें ऑप्शन आएगी एक और थीम सेटिंग्स की। थीम सेटिंग की ऑप्शन यहाँ से आप बिल्कुल जो भी एडिट करना हो, साइट आइडेंटिटी कुछ भी, कलर वगैरह हर चीज़ आप यहाँ से होम पेज की सेटिंग। अगर चाहते हैं आपके थोड़ा सा इसको और किसी बिल्डर के साथ करना, तो आप कोई बिल्डर भी लगा के उससे भी साइट को एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, जो थीम की अपनी ऑप्शन होती थी, थीम ऑप्शंस की, वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि मैंने इसका जो है थीम का वर्जन पुराना डाउनलोड कर लिया, आप नया वर्जन इंस्टॉल करना, उसके अंदर आपको थीम्स की सेटिंग की सारी ऑप्शन आएंगी। एक एक चीज़ कहाँ पर ऐड प्लेस करना है, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा बटन चाहिए। ठीक है, आप हर चीज़ को मैनुअल कर सकते हैं। तो प्लगइन की बात करें, थोड़ी सी प्लगइन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड, फैच गेम्स, इंपोर्ट गेम, पब्लिश गेम जो है आपकी, उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ से ये चीज़ें भी यहाँ से इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हर 10 मिनट बाद एक गेम पब्लिश हो, तो यहाँ से आप उसकी सारी सेटिंग्स को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसको ऑटोमेट करने की भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमेशन क्रॉन सेटिंग्स, तो ये सारी कैटेगरीज हैं, और ये सब इसके प्लगइन के फीचर्स हैं। ये प्रो फीचर्स हैं, प्रो प्लगइन की भी है इसकी, इसका प्रो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हर जो गेम डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी आपने सेटिंग्स करनी है तो वो भी हो जाएंगी, उसकी फीड यूआरएल भी मिल जाएगी, हर चीज़ है यहाँ पर। और जैसे भी आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक लाजमी कर दें, नया चैनल है और सब्सक्राइब की काफ़ी ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो
अगर तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं एक और ट्रिक और अच्छी जो है आपको चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं और वैसी सर्विसेज को सेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।